Assalamualaikum. आज मेट्रिक्स मीडिया की इस एपिसोड में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है हमारे ग्लोबल पॉप आइकॉन रहे हैं एंड ही हैज़ गिवन अस सो मेनी हिट्स लेकिन उनने पिछले कुछ सालों में एक टर्न लिया एंड ही स्टार्टड प्रीचिंग इस्लाम आज उनसे बात करेंगे कि उनकी लाइफ की ये जर्नी कैसी रही आ, और इन ने इतना बड़ा एक अपना लाइफ में टर्न कैसे लिया टुडे वी हैव थैंक यू फॉर वेलकम आप अपने करियर के पीक पे थे जब आपने ये डिसीजन लिया एंड uh, एक तो आपकी अनाउंसमेंट थी आपकी नात के साथ uh, ना तेरा खुदा कोई और है उसके बाद यू टस्ट सेंसिटिव टॉपिक विद खाबों के रिश्ते एंड ये फिर ट्रांजिशन कैसे हुई ये आ, ट्रांजिशन बड़ी ग्रेजुअल थी ये ओवरनाइट वाली नहीं थी कि होता है ना कभी कभी आदमी इंस्पायर होता है एकदम नमाजें पढ़ना शुरू कर देता है दाढ़ी बाड़ी रख लेता है और यू you नो know, फिर उसके बाद वो आ, वापस चला जाता है दुनिया में तो ऐसा नहीं हुआ मेरा बिल्कुल ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी ना ही मैंने कोई स्टेटमेंट दी ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं ये छोड़ रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ ये वो कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं बिकॉज मैं चाहता था कि आ, मैं खुद एक्सपीरियंस करूं और मैं अगर मुझे इससे फ़ायदा होगा तो फिर मैं खुद भी इंजॉय करूंगा इसको और लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारी कन्फ्यूजनस और माशरे के इशूज़ फैमिली इश्यूज़ मेरे अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डिप्रेशन ये वो बड़ा कुछ मैं देख चुका था जब तो जब आपने खुद हार्ड वे से सीखा हो तो फिर आपका दिल करता है कि लोग लोगों को उतनी प्रॉब्लम ना हो उनको जल्दी मिल जाए ख़ास तौर पर यूथ जो है सो so इसलिए प्रीचिंग तो खैर बहुत बड़ी जॉब है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को जो कुरान से और दीन से मुझे मेरा डेवलप हुआ है वो मैं शेयर करता हूँ ताकि अगर किसी को उससे फ़ायदा हो जाए तो हो सकता है कि किसी की लाइफ में पीस आ जाए और ज़्यादा लोगों की लाइफ में पीस आएगा तो हमारी सोसाइटी में पीस आएगा तो ये बेसिकली ट्रांजेशन मेरी टुक मी मैनी ईयर्स क्योंकि मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा वो नहीं हूँ कि बस मैंने एक दफ़ा फ़ैसला किया तो हाँ ये फैसला मैंने किया कि लाइफ को चेंज करना है लेकिन ये ओवर नाइट नहीं था इट टुक मी क्वाइट अ फ्यू ईयर्स और मैं आम कमज़ोर इंसान हूँ और मुझे आस्ता जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता गया और मैं कन्वेंस होता गया अंदर से भी और मेरी लाइफ ओवरऑल इम्प्रूव होती गई तो जब लाइफ इम्प्रूव होती है तो फिर आप के पास एक रिज़ल्ट आ जाता है सो so फिर देन यू स्टार्ट इट फिर आप उसको ख़राब नहीं करना चाहते तो फिर आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब आपको पीस में रहने की आदत हो जाए फिर आपका दिल नहीं करता कि घर में छिक छिक हो या मेरे ऑफिस में छिक छिक हो या कारोबार में यू नो कन्फ्रटेशनस हो और और एनमोसिटीज़ फिर आपको पीस में रहने का शौक़ हो जाता है और जो पीस में रहता है उसको मुस्लिम कहते हैं अरबी में मुस्लिम का मतलब ये है कि जो पीस में रहने के लिए अपने आप को सबमिट कर देता है अल्लाह के अहकाम इसको मुस्लिम कहते हैं सर आपको इस्लाम या रिलीजन पढ़ने का कब शौक हुआ बिकॉज एक सिंगिंग प्रोफेशन से आप आ, इस्लाम की तरफ आए फिर इस्लाम का मैसेज आगे पहुंचाने की तरफ आए तो ये शौक़ कैसे और कब हुआ देखिए एक तो वो होता है जो बचपन से वालदा डालती हैं ना उसका बड़ा फ़ायदा तो होता है चाहे वो उतना इंटेलेक्चुअल और रेफरेंसेस के साथ ना हो नॉलेज के साथ ना हो लेकिन एक जो बेसिक अच्छाई जो डाली जाती है अंदर घर से उसका फ़ायदा तो होता है और उसके बाद जब मैं उससे हटा भी बहुत सारी लाइफ मैंने बिल्कुल ओपन और एक वाइल्ड गुजारी है उसमें भी मुझे वो जो अच्छाई थी जो बचपन से थी वो गिल्ट पैदा करती थी अंदर क्योंकि मुझे अच्छाई तो अंदर थी और जब वो सिस्टम आपका वैसे नहीं चल रहा जिसके लिए आप बने हैं क्योंकि अल्लाह ने अच्छा करने के लिए बनाया है हमें जो मकसद है ज़िंदगी का या जो हमारी जो नफसयात की जो मेकिंग है वो बेस्ट के लिए बनाया गया है हमें आप किसी से भी पूछें कि आप एक एवरेज टीवी शो करना चाहेंगी अगर मैं आपसे ही पूछूं या बेस्ट तो आप क्या कहेंगी सो so, हर कोई बेस्ट बनना चाहता है कोई नहीं चाहता कि वो, वो अपने बच्चों के लिए एवरेज बाप हो एवरेज माँ हो सो बेस्ट अल्लाह ने हमारे अंदर डाला हुआ है तो जब हम बेस्ट लाइफ नहीं गुजार रहे होते तो हमारी नफस्यात गिल्ट में चली जाती है हम उसको जस्टिफाई करते हैं अच्छा जब हम उसको बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जस्टिफाई करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको हम डेड कर देते हैं सप्रेस कर देते हैं so, सो मैंने एक अच्छा काम ये किया कि मैंने जस्टिफाई नहीं किया मुझे तो पता था मैं गलत कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ उसका फ़ायदा ये होता है कि गुनागार आदमी जो है उसको सॉरी करना होता है बस लेकिन अगर आप पहले से ही ये समझ रहे हैं कि यार मैं तो बड़ा नेक हूँ और यार मेरा ये भी ठीक हो जाएगा वो भी हो जाएगा देखी जाएगी अगर मैं करप्शन कर रहा हूँ तो क्या हुआ मैंने मस्जिद भी तो बनाई है ना हम अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि पहले मैं बैंकॉक जाऊँगा वापसी पर उम्र करता जाऊँगा ये सब चीज़ें हमने होती देखी हैं सुनी है सो so, ऐसा नहीं था हम मैं जो भी लाइफ गुजार रहा था खुली डुल्ली गुजार रहा था तो जब अंदर से सिस्टम हैवी हो गया लैपटॉप आपका फ़ोन हैवी हो जाता है फिर आप उसको क्लीन करते हैं लेकर जाते हैं किसी के पास कि यार एंटी वायरस डालो ये वो सो फिर मैं कुरान की तरफ़ आया अपने टीचर मिस्टर बाबर बाबर चौधरी साहब जिन्होंने मेरी वो हमद पहले लिखी थी ये मामला कोई और है सो उन्होंने फिर मुझे पहली दफ़ा कुरान के उस एस्पेक्ट से जो उसकी एक्चुअल स्पिरिट है कि जो पहले दिन से आपको बदलता है जैसे आज भी मैंने यहाँ पर जो टॉक थी उसमें ये बताया है कि दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से इसको पढ़ा जा रहा है सवाब के लिए या तफसीर के लिए हिस्ट्री के लिए ख़ास दिनों के लिए ओकेजन्स के लिए यू नो मुख्तल लेकिन अपनी नफसियात को एड्रेस करने के लिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के ऊपर अप्लाई करने के लिए इस तरह नहीं पढ़ा जा रहा सो हमारा so, जो प्लेटफॉर्म है और, और जो हमारे फाउंडर हैं बाबर भाई नोट ट्रडिशनल जैसे मौलाना साहब होते हैं ऐसे ही वज फ्राम अ वेरी यू नो बिज़नेस फैमिली कापिट के सबसे पहले वो इम्पोटर्स uh, थे उनकी फैमिली वहाँ से वो ही वेंट टू अमेरिका एन अर्ली एज तो वो वो है जिसने सब कुछ देखा क्रिश्चन्स जूस इन लोगों हिंदूज नॉन मुस्लिम सबके साथ बात करने के बाद कुरान की जो नॉलेज आई इसलिए वो जब उनसे मेरी पहली बात हुई तो उनको पता था कि शो बिज़नेस क्या है प्रेशर्स क्या है स्टेटस क्या है कंपैरिजन क्या है कॉम्प्लेक्स uh, क्या है इंसिक्योरिटीज़ क्या है फियर्स क्या है ही न्यू द लाइफ बिकॉज ही हैड लिव्ड दैट लाइफ और उन्होंने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई किया था कुरान को सो so, वहाँ से फिर मेरा ये सफ़र आज तक एवरी नाइट मेरी कोशिश होती है मैं जहाज में भी हूँ तो वाईफाई के जरिए मैं वो स्टडी क्लास ज़रूर सुनना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने पे इतना एतबार नहीं है क्योंकि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ तो मुझे रेगुलर फीड चाहिए होती है और यही मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी ना होने की वजह है लोगों के अंदर लोग अच्छाई करना चाहते हैं लेकिन माहौल डेवलप नहीं करते हैं। रूटीन नहीं बनाते सो दिस इज़ बड़ आई फ्राइट टू डू और आपने ये रूटीन कैसे बनाई है अच्छाई <laughs> दो तरीके से एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी एक स्टडी क्लास होती है रामा रहीम के प्लेटफॉर्म से जो थर्टी थ्री से नॉन स्टॉप हो रही है कराची से ऑनलाइन होती है पूरी दुनिया से लोग आते हैं उस पर नॉन मुस्लिम भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं बहुत सारे नॉन मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं बहुत सारे सिर्फ अपने कोश्चन्स क्वेरीज के लिए आते हैं विजडम लेने के लिए आते हैं और दूसरी कंसिस्टेंसी यह है कि मैंने अनाउंसमेंट कर दी क्योंकि जब आप अनाउंस कर देते हैं कि ये मेरी लाइफ में ये तब्दीली आई है तो देन पीपल वॉच यू फिर जब आप गलती करते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं आपको फिर आपको करेक्ट करना पड़ता है अपने आप को मुझे आज भी याद है मैं अपने घर के नीचे कराची में बैठा हुआ था बाहर गाड़ी में पत्नी शायद बेगम साथ थी या कोई दोस्त था तो बहुत ज़ोर से मेरी उस पर नॉक हुई खिड़की पे इतनी कि मैं डर गया कि यार ये क्या है तो एक पुलिस वाला था तो वो देवर जस्ट चेकिंग कि कौन गाड़ी में बैठा है तो उस वक्त आई लॉस्ट माई टेम्परमेंट तो मैंने उसको ना काफ़ी सुना दी तो जो पीछे गाड़ी में उसका बॉस बैठा हुआ था उसने वहाँ से कहा कि नजम साहब उस दिन आप उस मैने में वो बड़ा मशहूर था इंडस्ट्री भी कि उस दिन आप इंडस पर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आज आपने जो है वो इसको तो मैं तो शर्म से बिल्कुल ही तो मैं उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकला मैंने उसको गले लगाया मैंने उससे माफ़ी मांगी मैंने कहा सॉरी यार मैं डर गया था जिस तरह आपने नॉक की सो so, फिर लोग आपको क्रैक करते हैं सो so, अनाउंसमेंट करने से ये फ़ायदा हुआ एंड सेकेंडली जब आप आ, बात करना शुरू कर देते हैं जैसे मैंने टी चैनल्स पर इवन के एम पे भी कहीं पे भी चाहे इंडिया में था या कहीं भी था मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता था तो उससे ये हुआ कि फिर जब आप बात करते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ मैं कॉलेज में जाता हूँ सो आपका रिफ़्रेश होता रहता है सो वी नीड रेगुलर रिमाइंडर अगर आप प्रैक्टिस किसी चीज़ की भी छोड़ देंगे तो आप वहीं आ जाएंगे वापस जहाँ से चले थे बल्कि ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे आप अगर जिम कभी गई होंगी तो आपने देखा है कि जब आप छोड़ देते हैं कुछ अर्से के लिए खा आप उसी तरह रहे होते हैं क्योंकि वो आपकी डाइट भी बढ़ जाती है जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर आप वेट पुट ऑन ज़्यादा तेज़ी से करते हैं सो दीन के साथ भी यही है कि जब आप अगर बीच में आपका टेम्पो टूट जाए तो फिर आप पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं सो इसलिए आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको मेनटेन करके आगे चलें सो दिस इज़ हाउ कंसिस्टेंसी जो अक्सर लोग कहते हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं आती इसलिए कि वो माहौल नहीं बनाते और उसको रेगुलर रूटीन में लेकर नहीं आते खाली पढ़ाई की हद तक रखते हैं प्रैक्टिकल सर uh, हमने देखा है कि जब भी सिंगर्स या कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस अनाउंस करते हैं कि वो दीन की तरफ आ गए वो इस्लाम की तरफ आ गए तो उन्हें हमेशा क्रिटिसिज्म फर्स्ट जो रिएक्शन uh, होता है दैट्स क्रिटिसिज्म। जब आप जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे विद मैसेज टू स्प्रेड इस्लाम तो आपको क्या फेस करना पड़ता है uh, अच्छा आप Uh, को हैरानगी होगी कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जो मैं जितना डरा हुआ था मैं जब मैंने ये हम पढ़ी थी तो मुझे बकायदा कुछ कंपनीज़ ने भी कुछ कोलीग्स मेरे बड़े मशहूर लोग हैं उन्होंने भी कॉल करके कहा कि यार ये क्या, कर, क्या तुमने योर तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा और यू नो कॉन्सर्ट्स में मत पढ़ो मुझे बहुत नफक आ गया इवन के बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ने भी कहा कि यार आज बसंत है यार आज ये है वो है आज आपने हमदनी पढ़नी है वो एंड आई मेड श्योर कि मेरी परफॉर्मेंस हमसे ही शुरू हो क्योंकि वो लोग साथ पढ़ते थे तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा इसलिए रहा कि मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको अच्छाई इंट्रोड्यूस होती है तो आपको सारे बुरे लगने शुरू हो जाते हैं आपको हर बंदा जो है वो तो वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता जब जिसको भी चाहते हैं ना काफ़ी मशरक बोल देते हैं सोशल मीडिया पे भी फिर आपको सारे गलत लगना शुरू होते हैं इवन घर में भी तो लकीली मेरी चूँकि जो टीचर हैं तो इज़ अ वाइज मैन और वो चूँकि प्रैक्टिकल करते हुए आए हैं तो उन्होंने जो हमें सुन्नत बताई कि अल्लाह के रसूल सल्ला वम की जो सन्नत है वो ये है कि गलत कहने की बजाय अच्छा कह करके दिखा दो सिर्फ ज़ुबान से भी नहीं अच्छा करके दिखा तो जैसे वो बचपन से हम वाक्य सुनते आ रहे हैं ना सर तो इमाम हुसैन ली का कि उन्होंने वज़ू करके दिखा दिया उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो उन्होंने कहा बड़े से कहा कि आप ज़रा चेक करिए मैं वज़ू ठीक कर रहा हूँ तो वो वो बंदा समझ गया कि यार ये है तो फिर जाके उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारीफ़ की कि मुझे वहीं पता लग गया था कि आपकी शख्सियत क्या होगी कि जो एक बच्चे ने मुझे वज़ू करना सिखा दिया बग़ैर गलत कहे सो कुछ ऐसी ट्रेनिंग हमारी हो गई कि एक तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हमने वो नहीं करने शुरू स्टेटमेंट्स देनी शुरू नहीं कर दी कि ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है यार खुद को ठीक करो और जब भी बात करो तो रेफरेंस के साथ करो ख़ुद चैम्पियन बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये समझता हूँ और ये। अल्लाह रसूल को आगे करो जिनको आगे होना चाहिए खुद को पीछे रखो सो दिस इज़ दी द रीज़न कि मुझे उस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं मिला थोड़ा बहुत ये ज़रूर हुआ कि यार दाढ़ी रख लो किसी ने कहा कि अच्छा आप अभी भी कर रहे हैं वो तो फिर जब मैं काफ़ी तंग आ जाता था मुझे आज भी याद है किसी ने एयरपोर्ट पे मुझसे कहा कि अच्छा माशाल्लाह जब उसने सुन लिया ना मुझसे कुरान क्योंकि दो घंटे भी थे फ़्लाइट में तो मैंने उसको भी बता दिया तो उसने कहा कि अच्छा वो आपने छोड़ दिया तो मैंने कहा यार अभी तो नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई वो नहीं है स्किल नहीं है लेकिन हाँ अगर आप मेरा मंथली उस वक्त मैंने मेरा ख्याल है कि मैंने कहा मेरा कोई दो लाख रुपए या डेढ़ लाख पता नहीं महीने का खर्चा है अगर आप वो उठा लेना तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ तो उसने कहा नहीं नहीं अल्लाह दरवाज़ा खोलेगा <laughs> तो इस तरह मैं बचता रहा हूँ लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने पॉप कॉन्सर्ट्स और वो जो लाइफ स्टाइल था उससे आई मूव डाउन अब मैं पॉजिटिव म्यूजिक या समझ लें कि नेशनल एंथम्स पॉजिटिव मोटिवेशनल सॉन्ग्स हमदुर सॉफ्ट कवाली जिसका कंटेंट स्ट्रॉग हो और मेरी लाइफ से रिलेटेड हो मैं उस तरह की चीज़ें करता हूँ सो so, इसलिए बचत हो गई कि अगर आप पीछे रहें ना और लोगों को क्या कह, कहते हैं वो ना दें फतवे ना दें क्योंकि वो तो हमारा काम नहीं है उसके लिए हैं और लोग हैं फिर आप बच जाते हैं अगर हम अपने माशरों में देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि रिलीजस मॉब लेंगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड हम एक बहुत बाइफेटेड एक डिवाइडेड uh, कॉम बनते जा रहे हैं तो आप रिलीजस एक्सट्रीमिज़म के बारे में क्या कहेंगे जो उलमा है अब सिर्फ उलमा की ये जॉब नहीं रही अब ये हर इंसान को ओनरशिप लेनी पड़ेगी क्योंकि ठीक है उलमा जो है वो एक ऑथेंटिक उन्होंने मेहनत की होती है पूरी ज़िंदगी लगाई होती है उनके पास ऑथेंटिक हिस्ट्री का नॉलेज भी होता है सब कुछ होता है लेकिन दीन का जो डिज़ाइन है वो ये है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को ख़ुद बताने के काबिल होना चाहिए एक प्रोफेसर को एक डॉक्टर को एक वकील को एक जज को एक जनरल को एक प्राइम मिनिस्टर को एक सब्ज़ी वाले को अल्लाह के हिसाब से उन सब को दीन पता होना चाहिए अपने हिस्से का वो स्कॉलर नहीं है वो लमह नहीं है लेकिन उनको अपने हिस्से का पता है कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या है मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं अनफॉर्चुनेटली इस तरह से दीन आ, की मार्केटिंग नहीं हुई तो फिर उसकी उसकी वजह यह हुई कि हमने रॉन्ग और बैड रिप्रेजेंटेशन करनी शुरू कर दी दुनिया में क्योंकि लोग तो हमेशा से ही ऐसे ही होते हैं दीन उनको सबर और एजुकेट करता है आप अगर उनको ऐसे छोड़ देंगे यानी दुनिया ये दुनिया हमें देख के समझती है शायद इस्लाम ऐसा है क्योंकि हम बैड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसकी सो तो इसलिए ज़रूरत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी ओनरशिप लें और फिर वो अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को स्कूल्स में कॉलेज़ में जैसे इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पर जो रहमत आलमीन अथॉरिटी बनाई गई थी और मुझे उसका एम्बेसडर भी बनाया था उन्होंने और हमारे बड़े प्लान्स थे मैं वैसे भी जाता हूं लेकिन अगर गवर्नमेंट साथ मिल जाए तो हम कितना ज़्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि यहीं से तो वो बच्चे निकलते हैं तो जितना ज़्यादा इस वक्त काम करने की ज़रूरत है हर लेवल के ऊपर मेरे ख़्याल है पहले कभी भी इतनी शायद की वाली नौबत नहीं आई थी जो अब अब आ गई है सोशल मीडिया बहुत जल्दी अप कर देता है चीज़ों को ट्रिगर कर देता है सो दीन का जो एक्चुअल एसेंस है इस्लाम का मतलब है पीस सलामती का दीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को सलामती मिलनी चाहिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह को नहीं जानता था या उसको आप अगर काफिर कहेंगे अल्लाह के रसूल ने उनका कुफर उसका कुफर ख़त्म करके उसको मुसलमान कर दिया था या उसको एजुकेट कर दिया था हम अगर एजुकेट करने के काबिल नहीं हैं तो फिर हमें किसी की जान लेने का हक़ कैसे हो सकता है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल वसलम ने तो एजुकेट किया था उन्होंने तो ज़िंदगी दी थी सो एक अल्लाह के रसूल का मानने वाला एक मुसलमान उसका काम ज़िंदगी देना है लेना नहीं है वो अल्लाह का काम है सो so इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि मसाजिद से स्कूल्स कॉलेज़ यूनिवर्सिटीज़ सबको अपना अपना रोल और जो बड़े वाले हैं जिनके मदारस हैं, जिनमें मेरे अपने भी बहुत करीबी जिनसे ताल्लुक हैं उनकी मसाजिद से दस दस हज़ार पाँच पाँच हज़ार निकलते हैं इतने इतने बड़े जो हैं आई थिंक उनको भी दोबारा मौके और महल के हिसाब से हालात के हिसाब से रिव्यू करना पड़ेगा कि और क्या क्या चीज़ें किस तरह हम इनको और इक्विप करके भेज सकते हैं कि आजकल के लोगों को जो सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और इकनॉमिक प्रेशर भी है इनके ऊपर डिप्रेशन भी आया हुआ है हर चीज़ इस वक्त ट्रिगर हुई हुई है तो ऐसे में कैसे ये उनको सूद करें जुम्मे के ख़ुतब के ज़रिए नमाज़ों के बाद नमाज का मैसेज समझाएं अगर इमाम हर नमाज में इस्लाम फिरने के बाद दुआ मांगने के बाद वो लोगों को ये बता कर भेजें कि आज आपने इस हुक्म पे सजदा किया है तो उसमें से टेन परसेंट लोग तो सोचेंगे ना बाहर निकल के कि यार मैं इस हुक्म पे एग्री करके आया हूँ सजदा करके आया हूँ टाँगें कॉँपेंगी तो हमने नमाज को भी सिर्फ़ सवाब वाली नमाज बना दिया हमने कुरान को भी सवाब वाला कुरान बना दिया जो हिदायत के लिए आई थी जो नसीहत के लिए आई थी सो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और इसमें उलमा का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है लेकिन मैं सारा का सारा उनके ऊपर नहीं डाल रहा इसमें मेरा आपका मीडिया का का, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सबको मिल के करना पड़ेगा वरना ये सोसाइटी जो है ख़ुद भी बदनाम होंगे और अल्लाह का नाम भी बदनाम करेंगे सर पिछले कुछ सालों में आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की जब भी बात होती है तो पीटीआई का नाम आता है इमरान खान का नाम आता है व्हाट इज़ अबाउट हिम कि यू बिलीव इन हिम एंड आपका नाम उनके साथ एफिलिएट होता है जी आई बिलीव इन हिम और उसकी दो तीन वजूहत हैं एक तो ये है कि उनका रिकॉर्ड जितने अरसे सियासत कर रहे हैं बिल्कुल क्लीन है उन्होंने पब्लिक का पैसा नहीं खाया अच्छा वो स्ट्रेट फॉर्वर्ड उनका बैकग्राउंड उस तरह से पॉलिटिकल नहीं है मारूसी सियासत और एक जी अच्छा उनको नाम सियासत से नहीं मिला क्योंकि सियासत में लोग किस लिए आते हैं जि, जिस सियासत से हम वाकिफ़ हैं पाकिस्तान की पावर नाम पैसा खासतौर पर जब से सोशल मीडिया आया है सब ने अपनी अपनी टीम्स बनाई हुई है दे ऑल हैव बिकम सेलिब्रिटीज नाउ राइट इंग्लैंड में मैं इतने साल रहा हूँ मैं जानता ही नहीं किसी मिनिस्टर को कोई टीवी पे नजर नहीं आएगा दे आर सो बिजी लेकिन यहाँ आपको देखें वो बकायदा शाम को सब जितना पाकिस्तान में काम होने वाला है आपको लगता है कि इतना टाइम है किसी के पास कि वो हर रोज दो दो तीन तीन, तीन शोज पर बैठेगा ठीक है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली सो so, मैं इतने साल मैं दुनिया में फिर हूँ आपको हार्डली कभी आपको कोई मिनिस्टर हाँ कोई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कोई मैसेज देना होता है वो करते हैं हमारी ये एक इंडस्ट्री बन गई है सॉर्ट ऑफ इन्फरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जिसमें वो उनको भी नाम मिलता है एक सेलेब्रिटी स्टेटस मिलता है सो so, लोग नाम के लिए आते हैं पैसा पैसा भी उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है सो so, इमरान ख़ान को ये इन चीज़ों की पहले से ही उन, उनको अल्लाह ने अता की हुई थी फेम भी मिला हुआ था uh, पैसा भी ज़रूरत का था एंड uh, जो है वो लोग फॉलोइंग भी थी सो so, एक तो ये वजह है कि वो एक बैकग्राउंड भी क्लीन है आ, पब्लिक का पैसा कोई इस तरह से नहीं खाया गलत मैसेज नहीं दिया हर दौर में वॉर के अगेंस्ट स्टैंड लिया स्टांस लिया आ, चाहे वो पाकिस्तान के हालात के बारे में थी या हमारे नेबर्स के बारे में थी हमें हमेशा से स्टांस बहुत अच्छा और एजुकेटेड स्टांस था फिर उसके बाद आ, अब जो इस वक्त जो गवर्नमेंट में आने के बाद ख़ास तौर पर जो उनकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से मेरी और अटैचमेंट और एक आ, वो बढ़ गई रिलेशनशिप वो ये थी कि दीन के ऊपर डिपेंड करना अल्लाह का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फलाही रियासत जिसमें सबको राइट्स मिले जिस तरह गरीबों का उन्होंने ख्याल किया हेल्थ कार्ड से ले एहसास प्रोग्राम और जो कुछ हो रहा था जो, जो मैंने अपनी आँखों से देखा वो वी वर सो होपफुल कि पाकिस्तान जो है ना चढ़ गया पटरी और बड़ा दिल कुटता था कि जब लोग आ, जब वो मीडिया जाकर लोगों से पूछता था और महंगाई के ऊपर होता था तो हम यही कह रहे होते थे कि यार थोड़ा सब्र कर लो थोड़ा सब्र कर लो थोड़ा सब्र कर लो एकदम से जो है आपका सत्तर बहत्तर साल का जो हमारी जो एक करप्शन का बैकग्राउंड है सिस्टम आदि हुआ हुआ है उस करप्शन का सब उसके अंदर है कोई एक की बात नहीं कर रहा हमें तो वो एकदम से नहीं बदलेगा लेकिन एक भरोसा होना चाहिए कि यार जो ऊपर बैठा हुआ है ये कोई बाहर पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर नहीं जा रहा फैक्ट्रीज़ महलतारत इसके अपने बिजनेसेस डबल ट्रिपल नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं है तो गिव गिव हिम टाइम सब्र करो बल्कि अपना हिस्सा डालो ये इस मैसेज के साथ मैंने टीवी शो शुरू किया पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जब मैं पाकिस्तान आया खान साहब से मुलाकात हुई उन्होंने भी कहा कि यार माइंड मेकिंग की ज़रूरत है वर्क सो रहमतुल्लाह अलमीन के ऊपर मुझे काम करने के लिए कहा So, ये मेरी एफिलिएशन है जब अदम एतम हुआ तो अगले दिन पाकिस्तान टेलीविजन ने मुझे कहा कि असलम ख़ान साहब चले गए वो ये समझ रहे थे कि मैं शायद हालांकि मैं तो काम करने आया था मैं तो मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रहा था तो उन्होंने कहा या तो आप जलसों पर जाएँ या आप ये प्रोग्राम करें तो मैंने कहा देखिए मैं, मैं आपसे नौकरी लेने तो आया नहीं था मैं तो काम करने आया था सो राइट नाउ इस वक्त जो वो वट ही इज़ डूइंग वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने फिर पूरे पाकिस्तान का उनके साथ टूर किया छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में और वहाँ पर जो मैं अपना हिस्सा डाल सकता था हमदरनाथ की सूरत में मोटिवेशनल एंथम्स की सूरत में वो मैंने डाला और आई बिलीव इन इज़ मैसेज कि अवाम के हाथ में एक दफ़ा चाहे वो अच्छा फैसला करें या बुरा फैसला करें बट दे शुड डिसाइड और यही यही डेमोक्रेसी है करने देना एक दफ़ा गलत करेंगे अगली दफ़ा ओन तो करेंगे ना जब उनकी मर्ज़ी से नहीं होगा और ख़ास तौर पर जो एजुकेशन कर दी है इमरान ख़ान ने ओवर द इयर्स धरने के टाइम से लेके और उससे पहले भी बोल रहे थे लेकिन धरने ने फोकस करवा दिया था आज तक हर बंदे को समझ में आ गई है कि हमारे साथ क्या होता रहा है क्या चीज़ें ठीक नहीं है जिनको ठीक होना है वो रोल ऑफ लॉ क्या है तरक्की क्यों नहीं हो सकेगी जब तक ये नहीं होगा सो ये उनका बहुत बड़ा एहसान हुआ है पाकिस्तान के ऊपर वो वजीर अजम बने या ना बने लेकिन ये एहसान तो मानना पड़ेगा कि आईना दिखा देना एक कौम को बता देना कि ये आपको करना है और ये आपने ठीक नहीं किया आपने, आपने वोट को सही इस्तेमाल नहीं किया और जिन जिन लोगों को मैंने जल्सों में आते देखा है टूटी हुई चप्पलें अनपढ़ और जब वो उनकी बात को रिस्पोंड करते थे तो हम लोग हैरान होते थे कि यार इसको बात वैसे ही समझ आ रही है जैसे किसी पीएचडी को समझ में आ रही है सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कैंपेन कि चाहे पत्थर तोड़ने वाला हो या पीएचडी हो सबको बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा और बींग मुस्लिम इस्लामिक कंट्री हम अपनी वैल्यू सिस्टम पर नहीं आएंगे हमें बहुत मार पड़ेगी और uh, जितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से और जितनी पाकिस्तान ने हमें आ, हमें दिया है आ, हम नहीं देखना चाहते वो टाइम कि हम ऑलरेडी पढ़नी शुरू हो गई है हमारे जो इमेज है पाकिस्तान का दुनिया के अंदर करप्शन में नाम आ रहा है इसमें आ रहा है उसमें आ रहा है सो वीडो वो टू सी कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा वर्स हालत में आए सो so, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं ये मेरी ख्वाहिश है कि सारे पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर आ जाए कि यार पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है ये जाएगा तो हम भी ऊपर चले जाएंगे ख़ुद ब खुद हमें तमाशाई बन के देखने की बजाय अपना हिस्सा डालना चाहिए अपना रोल प्ले करना चाहिए ऐज अ मुस्लिम ऐज अ पाकिस्तानी एज अमन बीग जब तक अपनी अपनी जगह पर हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ इसी तरह ज़्यादती होती रहेगी और अंदर वाला भी आपको मिसयूज अब्यूज़ करेगा बाहर वाला भी करेगा और जब अंदर वाला अब्यूज़ बढ़ जाता है तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर बाहर वाला आके अब्यूज़ करता है और जब बाहर वाला करता है तो वो बहुत रूथलेसली करता है फिर वो ये नहीं देखता कि आपका चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा फिर वो अपना वसूल करता है सो तो इसलिए हमें जाग जाना चाहिए एंड हमें एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए और जो सही चीज़ हो शक्ल मत देखें इमरान खान की या किसी की भी आ, लीडर्स की आप ये देखें कि बात क्या है हज़रत अली रदी को कॉल है ये मत देखो कि कौन कह रहा है ये देखो कि क्या कह रहा है अगर वो आपके बच्चों की आपकी नस्लों की फ़ायदे की बात कर रहा है तो देन सपोर्ट इट दैट इज़ माई मैसेज थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर योर टाइम